भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से आरंभ हुई भारत जोड़ो यात्रा से संबंध में गाजियाबाद में लोहिया नगर स्थित महाराजा अग्रेसन भवन में गाजियाबाद कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि कन्याकुमारी से आरंभ हुई भारत जोड़ो यात्रा आज 108 दिन में 9 राज्य 46 जिलों होते हुए देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आ पहुंची है। वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से लेकर गुजरेगी। इस यात्रा का मुख्य देश भारत को एकजुट करना है, साथ ही मिलकर देश को मजबूत करना है। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नसीरुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि यात्रा को समाज के हर वर्ग का अभूतपूर्व प्यार और समर्थन मिल रहा है। आज हमारे देश को विभाजित करने वाले आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं के साथ लाखों लोग आंदोलन में शामिल है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो प्रेस वार्ता आज करी गई। आइए सुनवाते कि किस तरीके से अपने विचारों को यहां पर कांग्रेस के नेताओं ने रखा। गाजियाबाद से आप देख रहे हैं निशांत शर्मा की खास रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा जो उत्तर प्रदेश में आ रही है, तो उसके बारे में सबको बताने के लिए और आपके सहयोग के लिए, आपसे निवेदन करने के लिए मैं और माननीय सलमान खुर्शीद साहब आज गाजियाबाद आए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, 3 जनवरी को माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पद यात्रा वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है। इसी संबंध में आज जिला शहर कांग्रेस कमेटी की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई है। जैसा कि आपने स्वयं हमारे नेताओं का साक्षात भी किया है और सवाल भी पूछे हैं, हालात और परिस्थितियाँ ये बयां कर रही हैं। जो रिपोर्टें हैं, जो कार्यकर्ताओं का जोश है, वो ये बता रहा है कि ये ऐतिहासिक होगी। और हमारे नेताओं का भी और हमारे कार्यकर्ताओं का भी जो उल्लास है, उसका साफ दर्शन है कि 3 तारीख को जिस तरह से ऐतिहासिक रूप से हर स्टेट में एक नए रूप से इतिहास लिखा गया है, ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी लिखा जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी की आ रही है गाजियाबाद में, ये सौभाग्य है हमारा कि हमें जो है इसमें जो है शामिल होने का मौका मिलेगा और गाजियाबाद की धरती से होकर यात्रा गुजरेगी। ये यात्रा देश में सौहार्द, प्यार, भावना सब बनाने के लिए, एकता के लिए, भारत जोड़ने के लिए जो है ये बहुत ही अच्छा यात्रा है। और इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐतिहासिक ऐसी होगी जो आज तक गाजियाबाद के इतिहास में कभी ऐसी यात्रा नहीं निकली होगी, वो किसी भी पार्टी की नहीं निकली होगी जैसी ये यात्रा होगी। नगर निकाय चुनाव भी नज़दीक है, क्या ऐसी यात्रा का फर्क पड़ेगा गाजियाबाद नगर निगम चुनाव में? ऐसा यात्रा का फर्क तो पूरे देश में पड़ गया है, हिमाचल का रिजल्ट भी आपने देख लिया है। और दूसरा एक और भी है कि अभी इसका हर जगह पर असर पड़ेगा इस चीज़ का।